हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत कर रहा हूं। मैं के सिन्हा, लेखक, मोटिवेशनल स्पीकर और सक्सेस ट्रेनर आप सबका। दोस्तों, मैंने एक वीडियो दिया था कि लाखों लोगों को कैसे ज्वाइन करें। उस पर हजारों लोगों ने कमेंट किया, सर ठीक है, एक ज्वाइनिंग तो ठीक है, लेकिन उसको एक्टिव करने के लिए क्या करना चाहिए। मैंने सिर्फ बोला था कि एक ज्वाइनिंग और उसको एक्टिव कैसे, क्या फॉर्मूला है, वो अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, या फिर आप ये वीडियो जो है ये आप ज़रूर देख लीजिएगा। आपको बहुत कुछ वहाँ से सीखने को मिलेगा, कैसे अपने ज्वाइनिंग को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए, वहाँ पर मैंने फॉर्मूला बताया है। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि सर एक्टिव करने के लिए एक्चुअल फार्मूला क्या है। वो एक्चुअल फार्मूला क्या है, मैंने इस टॉपिक पर डिटेल्स में चर्चा नहीं की, और जितने सारे ट्रेनर्स हैं उन लोगों ने भी इस पर डिटेल्स में चर्चा नहीं की होगी शायद। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों की मदद के लिए, ये एक्चुअली मैं पेड ट्रेनिंग्स में ये ऐड करता हूँ, तो मैं आप लोगों के बार बार रिक्वेस्ट आए थे ना, तो इसलिए मैं इसको डिटेल्स में ला रहा हूँ। क्या करें, आपके टीम में जब ज्वाइनिंग करवा लेते हैं तो पहला चरण, पहला स्टेप क्या होना चाहिए, कैसे डिटेल्स में क्या करना चाहिए, जो बंदा आपने ज्वाइन करवाया है वो आपके टीम मेंबर को कैसे आप एक्टिव करें, कैसे क्या करना चाहिए, उसके ब्रेन में वो एक्टिवनेस कैसे जगाए, कैसे आपको पता चलेगा कि जो ज्वाइन हुआ वो एक्टिवली काम करेगा कि नहीं करेगा, ताकि आपका टाइम बर्बाद ना हो। हज़ारों लोग मुझे फ़ोन करते हैं, बोलते हैं, मैसेज करते हैं, बोलते हैं कि सर हमारे टीम में तो 10,000 लोग हमने ज्वाइन किए थे, लेकिन अभी सिर्फ 50 लोग काम कर रहे। तो ऐसे लोगों को आप कैसे पहचानेंगे आपका टाइम बर्बाद ना हो। ये फॉर्मूला जो मैं आज बताऊंगा आपको, ये अगर आप सही ढंग से अगर अप्लाई करते हैं तो मैं 100% बोल रहा हूं कि आप जिसको ज्वाइन करवाते हैं वो एक्टिवली काम करेगा या नहीं करेगा वो आप जान जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो क्या करना चाहिए, देखिए लोग तीन तरह के चीज़ों के लिए काम करते हैं। कुछ लोग अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काम करते हैं, कुछ लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काम करते हैं, जैसे कि घर का खर्चा निकल जाए, गाड़ी का EMI निकल जाए, आप वो घर भाड़ा निकल जाए, जो कुछ भी हो, राशन का खर्चा हो, कुछ भी हो, कपड़े पहनने का, बच्चों के स्कूल की फ़ीस हो, एक्स्ट्रा अगर कुछ पैसों से अगर ट्यूशन का फीस अगर निकल जाए तो बढ़िया है। कुछ लोग अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काम करते हैं। आपके बिजनेस में जो बंदा आया है वो आप ध्यान में लगाइए, आप पूछिए कि वो किस लिए आए। ये मैं आपको समझा रहा हूँ, आप उसको समझाइएगा, ये वीडियो उसको दिखाइएगा, समझ जाएगा, वो क्लियर हो जाएगा वो क्यों ये बिजनेस करना चाहता है या फिर इसको क्यों करना चाहिए। कुछ लोग ज़रूरतें पूरा करने के लिए काम करते हैं, जो काम करते हैं उसमें नहीं होता इसलिए आपके बिजनेस में आए, ज्वाइनिंग हुआ है उसका। कुछ लोग अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आए हैं, जैसे कि एक नया कार खरीदना है, एक नया बाइक खरीदना है, कहीं पर मुझे एक्स्ट्रा पैसे से कहीं पर मुझे एक ज़मीन खरीदनी है, कहीं पर मुझे अपना घर बनाना है, कहीं पर चैरिटी करना है, कहीं अपने घर वालों को कुछ पैसे एक्स्ट्रा भेजने हैं। बहुत सारे लोग कुछ अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए आते हैं इस बिजनेस में। कुछ लोग यहाँ पर आए हैं, आपके बिजनेस में आए हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए। कुछ उन लोगों के ड्रीम्स हैं, कुछ उन लोगों के डिज़ायर्स हैं जो पूरा करने के लिए, बर्निंग डिज़ायर्स जिसे बोलते हैं, ड्रीम्स है कि मुझे तो एक बड़ा सा बंगला फ्लैट लेना है, मुझे तो वो फलाना कार लेना है, मुझे तो वो फलाना बंगला वहाँ पर बनाना है, मुझे वर्ल्ड टूर के लिए जाना है, ट्रिप्स के लिए जाना है, इस बिजनेस में मैं इसलिए आया हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग या फिर MLM में आए तो फ्री के, मुफ्त के पैसों से आप वर्ल्ड घूम सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग इसलिए आते हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग इसलिए आते हैं कि मेरे पास पैसा तो है लेकिन रिकॉग्निशन नहीं है। यहाँ पर मुझे पता चला कि इस बिजनेस में लोग आपको रिकॉग्नाइज करते हैं, आपकी वैल्यू करते हैं, बहुत सारे लोग आपके लिए तालियां मारते हैं, आपको थैंक यू बोलते हैं, आपको वेलकम बोलते हैं, आपको पूजा करते हैं बहुत सारे लोग, तो इसलिए बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आते हैं। तो ये तीन चीज़ों के लिए पहले तो पैसा कमाया जाता है। आप जिसको आपने ज्वाइनिंग करवाया वो आपके बिजनेस में क्यों आया, क्या वो अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आया है, क्या वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आया है, क्या वो अपने सपनों की पूर्ति के लिए आया है। पहले तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप किस लिए इस बिजनेस में आए हैं, आज कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा आप किस लिए इस बिजनेस में आए हैं, इस बिजनेस में नेटवर्क मार्केटिंग MLM में आप क्यों आए हैं, पहले वो आप क्लियर करवाइए, वो आज कमेंट में बताइएगा, ठीक है। ये तीन तरह के लोग आपको चाहिए। जो लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए आए हैं वो लोग भी बिजनेस करेंगे, लेकिन उतना नहीं, थोड़ा 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 करके करेंगे, क्योंकि उन लोगों को जितना पैसा चाहिए उसी हिसाब से वो लोग काम करेंगे। बहुत सारे लोग पार्ट टाइम करते हैं, पार्ट टाइम करते हैं तो उन लोगों के पास टाइम नहीं होता, तो ज्यादा काम नहीं कर पाते, तो ज्यादा आमदनी नहीं होता। कुछ लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आए, वो थोड़ा ज्यादा काम करने की कोशिश करेंगे, इच्छाएं जो होती है उन लोगों का इनकम थोड़ा ज्यादा होगा, कि इच्छाएं बहुत ज्यादा होती है लोगों की इच्छाओं का कोई लिमिट नहीं है,
तो जितना बड़ा इच्छा उतना बड़ा इनकम, उतना बड़ा काम, ठीक है। तीन नंबर सपने, सपने तो बहुत सारे लोग देखते हैं कि मुझे फलाना करना है, ये करना है, वो करना है, वो करना है। सपनों के बारे में मैंने बताया ना, ये तीन तरह के लोग आपके बिजनेस में आएंगे, ये तीन तरह के लोग भी आपके बिजनेस में जरूरी है। तीन तरह के लोग आपके बिजनेस में जरूरी है। कुछ लोगों को ये तीन चीजें भी पता नहीं होता, इसलिए बिजनेस नहीं करते हैं, ज्वाइनिंग करते हैं, छोड़ जाते हैं, प्लेटफॉर्म को क्विट कर जाते हैं। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपको उसको कुछ सवाल पूछने हैं ताकि आपको पता चले कि वो चाहता क्या है, व्हाट ही और शी वांट एक्चुअली, उसका ड्रीम क्या है, उसका सपना क्या है, उसकी जरूरतें क्या है, उसकी इच्छाएं क्या, वो पहले समझ लीजिए। कुछ सवाल उसको करने हैं। क्या सवाल करने हैं आप देखिए, मैं एक एक करके बता रहा हूं। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस बिजनेस, आप इस बिजनेस से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आप किस लिए इस बिजनेस में आए, पहले मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप किस लिए इस बिजनेस में आए हैं, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं इस बिजनेस से, आप पहले अपने आप से सवाल करिए, फिर आपने जिसको ज्वाइन करवाया उसको सवाल करिए। ये वीडियो सबसे पहले आपके लिए है, फिर आपके टीम मेंबर्स के लिए है। वीडियो को देखिए, टीम मेंबर्स को शेयर करिए, ठीक है। बाद में आप खुद जाकर उनसे पूछिएगा, उनसे जवाब लीजिएगा। इन सब सवालों का जवाब आपको लेना है। कमेंट में आज मुझे जरूर बताइएगा आप क्या क्या करते हैं। 10 सवालों का 10 आंसर मैं आपसे चाहता ही हूं। आप जो देख रहे हैं ना, 10 सवालों का 10 आंसर आप मुझे दीजिए, मैं फॉलो करूंगा आप क्या क्या दे रहे हैं। और वीडियो के लास्ट में आप सबके लिए एक गिफ्ट है, इसलिए लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। फिर पॉइंट नंबर टू, दूसरा सवाल है, व्हाट इज योर पर्पोज, आपका पर्पोज क्या है, आप क्यों ये बिजनेस करना चाहते हैं, क्या कारण है। आप जरूरतें पूरा करने के लिए काम करना चाहते हैं, आप इच्छाओं को पूरा करने के लिए काम करना चाहते हैं, या फिर आप अपने सपनों के लिए काम करना चाहते हैं। व्हाट इज योर पर्पोज, एक्चुअल पर्पोज, आप उससे पूछिए। पहले इन सबको दिखाइए, फिर उसे पूछिए। थोड़ा टाइम लगेगा, ये ज्वाइनिंग होने के बाद आपको ये करना है, ठीक है। उसको एक्टिव करने के लिए आपको इन सब सवालों के जवाब आपको क्लियरली आपको लेने ही चाहिए। इसका जवाब भी आप मुझे बताइएगा। पॉइंट नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट टाइप ऑफ लाइफस्टाइल यू वांट, आप अपने जीवन में फ्यूचर में कैसा लाइफस्टाइल आप चाहते हैं, क्या आप जो कर रहे हैं उससे जैसा लाइफस्टाइल चाहते हैं क्या वो मिलेगा, या फिर आप जो लाइफस्टाइल आप जैसा चाहते हैं जो कर रहे हैं उससे नहीं मिल रहा, इसलिए आप इस बिजनेस में आए हैं। समझ में आ रहा, क्लियर करिए इस चीज को, क्लियर करिए। फिर आपको सवाल करना है, बिटवीन टू इयर्स, दो साल के अंदर आप अपने आप को कहां देखते हैं, आप जैसा सोच रहे क्या वो लाइफस्टाइल आप पा सकते हैं दो साल के अंदर, या फिर आप नहीं पा सकते, या फिर आप वो पाने के लिए इस बिजनेस में आए हैं। दो साल के अंदर आप बनना क्या चाहते हैं, एक्चुअली आप बनना क्या चाहते हैं, सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। 10 सवाल का 10 जवाब मैं आपसे चाहता हूं। पॉइंट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ यू एंड योर फैमिली यू वांट, आप अपने और अपने परिवार वालों के लिए क्या भविष्य चाहते हैं, कैसा भविष्य आपने डिजाइन किया है। हर किसी का फ्यूचर प्लानिंग होता है, आपका भी होगा, है कि नहीं, आपका होगा। तो आपने जिसको ज्वाइन करवाया है उसका भी होगा। अभी देखिए, ये सवाल करने का सबसे मजेदार मैं चीज क्या बताऊं, ये सवाल क्यों करना चाहिए, जब आप बोलेंगे कि आप अपने और अपने परिवार वालों के लिए आपने क्या फ्यूचर डिजाइन किया है, तो डिजाइन जो किया है उसको आप देखिएगा, ये फ्यूचर मैंने डिजाइन किया, वो डिजाइन किया, ये डिजाइन किया, तभी आपका क्वेश्चन आएगा, जो आप कर रहे क्या उससे आपने जैसा डिजाइन किया वो होगा। अभी होगा तो कितने साल में होगा, बुढ़ापे में, जब दांत वात सब गिर जाएंगे तब। तो आपका ये एक स्कोप बनता है, इस सवाल का आंसर जब आप लेंगे ना तो एक स्कोप बनता है उसको एक्टिव करने का, कि आप जो चाह रहे हैं ना वो आपका 60-70 साल में आपका पूरा होगा जो आप काम कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं जल्दी 5 साल, 3 साल, 6 साल, 10 साल के अंदर पूरा करना, तो दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म, आप उसको ऐसा बोल सकते हैं। बहुत खतरनाक सवाल मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, इसको ध्यान से देखिए, सुनिए, आप इसको अप्लाई करिए। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज योर एम, आपका एम क्या है, अपने अपने लाइफ में कुछ लक्ष्य तो रखा हो ना, कोई एम तो रखा हो ना, कि मेरा तो ये एम है, उस साइड में, उस दिशा में मैं जाना चाहता हूँ, इस साइड में जाना चाहता हूँ, मैं अपने बच्चों को ये परवरिश देना चाहता हूँ, मैं फलाने जगह पर एक अच्छा फ्लैट खरीदना चाहता हूँ, अच्छा कार खरीदना चाहता हूँ। क्या एम है आपका जीवन का, कुछ एम तो आपने रखा होगा ना, हर किसी का कुछ एम होता है, वो आप लिख डालिए। 7 नंबर सवाल है, वेयर इज योर कंसंट्रेशन, आपको कंसंट्रेशन कहाँ है, आपने अपने ध्यान को कहां पर केंद्रित किया है, पैसे कमाने के लिए केंद्रित किया है, अपने गोल्स को पूरा करने के लिए केंद्रित किया है, कंसंट्रेशन वहां पर लगाया है,
या फिर दोस्तों के साथ घूमने के लिए आपने कंसंट्रेशन लगाया है, मस्ती करने के लिए कंसंट्रेशन लगाया है, टीवी देख के टाइम बिताने के लिए कंसंट्रेशन लगाया है, झगड़ा करने के लिए कंसंट्रेशन लगाया है, कहां पर आपने अपना कंसंट्रेशन लगाया है? आप उसके दिमाग से जो कचरा सारा है वो सब निकाल डालिए। जब वो निकलेगा ना तो वो 100% बोला ना 100% ये वीडियो देखने के बाद आप सीख जाएंगे कैसे एक्टिव करना है। उसके ब्रेन से सारा कचरा निकालिए, उसमें पॉजिटिविटी भरिए इस बिजनेस को लेकर। अगर इस बिजनेस को लेकर उसके मन में कुछ अगर डाउट भी हुआ ना, तो ये सब सवाल जब आप करेंगे ना, किसी बंदे ने ऐसा सवाल कभी किया ही नहीं होगा उस बंदे से। आपको भी किसी ने ऐसा किया है क्या? ऐसा सवाल नहीं किया होगा। क्लियर करवाइए, कचरा सब क्लियर करवाइए, ठीक है? इसका जवाब भी आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। 10 सवालों का 10 जवाब मैं चाहता हूं आपसे, मैं फॉलो करूंगा जरूर। इस बिजनेस को अगर आप कर रहे हैं, इस बिजनेस में आप ज्वाइन हुए हैं, आपको कुछ प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ सकता है, आपको कुछ समस्याओं का फेस करना पड़ सकता है। क्या वो आप फेस कर सकते हैं? अभी उसके मन में आएगा फेस प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, कुछ आपको ट्रेनिंग्स लेनी पड़ेंगी, कुछ बुक्स पढ़ने पड़ेंगे, लोगों के पास जाएंगे तो रिजेक्शन आएगा, वो सब फेस करना पड़ेगा, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। अब जो अभी कंफर्ट जोन में है उससे आपको निकलना पड़ेगा। ये आपके लिए एक प्रॉब्लम हो सकता है। वो आप क्या फेस करने के लिए तैयार हैं? क्या अपने गोल को अचीव करने के लिए ये सब प्रॉब्लम्स आप फेस करने के लिए तैयार हैं? सवाल का जवाब जरूर लीजिए, आप भी मुझे कॉमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए, ये सवाल का जवाब जब क्लियर होगा ना, तो बंदा काम करने के लिए 100% तैयार हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, आप इस बिजनेस में आए हैं, आपको कुछ चीजों का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्या आप सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं? अभी वो पूछेगा ये सेक्रीफाइस किस चीज का करना है। देखिए, सेक्रीफाइस इस चीज का करना है कि आप जो काम कर रहे हैं उससे आपको हर रोज 1 घंटा एक्स्ट्रा टाइम आपको इस बिजनेस के लिए निकालना पड़ेगा। अपने घर में थोड़ा लेट करके आपको जाना पड़ेगा, वो एक सेक्रीफाइस हो सकता है। आप घर में जाकर टीवी देखते हैं, आप घर में जाने के बाद टीवी देख के बैठ जाते हैं, उस टाइम आपको टीवी को बंद करके आपको कुछ किताबें पढ़नी होंगी। आप संडे में मूवी देखने के लिए थिएटर में जाते हैं, आपको वो थिएटर बंद करके ट्रेनिंग में आना पड़ेगा। क्या आप इन सब सेक्रीफाइसेस के लिए तैयार है? क्या आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए ये सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है? हर एक पॉइंट में आप ये बताइएगा, क्या आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने ड्रीम्स को, अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपने इच्छाओं को पूरा करने के लिए, क्या आप ये सब सेक्रीफाइस करना चाहते हैं, कर पाएंगे? आर यू रेडी? जब उसकी बात इच्छाएं, जरूरतें और सपनों में आएंगी तो वो बोलेगा हाँ जरूर मैं करूंगा, करने के लिए तैयार होगा। क्लियर करवाइए, उसके ब्रेन से पूरा कचरा निकालिए। फिर लास्ट में आप बोलिए, आप क्यों ये प्रॉब्लम फेस करना चाहते हैं, आप क्यों ये सेक्रीफाइस करना चाहते हैं, वो आज मुझे क्लियरली बताइए। वो क्लियरली जब बताएगा, मुझे अपने फैमिली को एक अच्छा फ्यूचर देना है, मुझे अपने लाइफस्टाइल को इंप्रूव करना है, मैं जो अपने ड्रीम्स, जो सपने मेरे मन में, उन सबको पूरा करना है, इसलिए मैं ये प्रॉब्लम को फेस करने के लिए तैयार हूँ, ये सेक्रीफाइसेस करने के लिए तैयार हूँ। जब उसका जवाब ऐसा आएगा, तब आप समझिए ये सब सवालों का जब पॉजिटिव रिजल्ट, पॉजिटिव जवाब आपके प्रोस्पेक्ट से, आपके डाउनलाइन से जब आएगा, तब जाकर वो बिजनेस करने के लिए एक्टिवली दौड़ के आएगा। दोस्तों, ये क्लियरली आप 2-3 बार रिपीट करके इसको देखिए, ये सब सवाल आपके ब्रेन में बैठना चाहिए। इन सब सवालों के जवाब आप मुझे आज कमेंट में बताइए कि आप क्या सच में इस बिजनेस में आए हैं कुछ कर दिखाने के लिए, क्या करने के लिए आए हैं, वो आज कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सबके साथ शेयर करिए, नए हैं इस चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करिए। अभी मैं आपको बताता हूं कि आपको मैंने क्या गिफ्ट रखा है आपके लिए। देखिए, मेरा जो बुक नेटवर्क मार्केटिंग और सेल्स में कैसे मचाए धूम, उसको मैं आपको गिफ्ट करना चाहता हूँ। कैसे, ये आप पर डिपेंड करता है, आपको चाहिए या नहीं चाहिए। मेरा जो दोनों बुक, आप अमीर बनना चाहते हैं या फिर नेटवर्क मार्केटिंग और सेल्स में कैसे मचाए धूम, इन दोनों बुकों में से अगर आपने किसी एक को पढ़ा है अमेजोन या फ्लिपकार्ट से खरीद के, आपको करना क्या है, बस वहां पर जाना है और रिव्यू देना है। रिव्यू क्या है, इसके बारे में आपने ये दोनों बुक पढ़ के आपको कैसा लगा, वो वहां पर जाकर बुक के नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर आपको कमेंट करना है। उसमें रेटिंग होता है, 1 to 5 स्टार होता है, आपको वो रेटिंग देना है, कमेंट करना है, वहां पर कमेंट करके सबमिट करना है। सबमिट करके उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके नीचे के व्हाट्सएप नंबर पर आप भेजिए। भेजने के बाद हम उसको वेरीफाई करेंगे, हमारी टीम उसको वेरीफाई करेगी, वो सच में आया या नहीं आया। अगर आया तो आपको नेक्स्ट मंथ
मैं आपको एक किताब मेरी तरफ से गिफ्ट मिलेगा, नेटवर्क मार्केटिंग और सेल्स में कैसे मैं चाहता हूं। अगर आपने नहीं पढ़ा है, नहीं खरीदा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप किसी एक को खरीद सकते हैं। मान लेते हैं आप अमीर बनना चाहते हैं, मेरे पहले बुक को आप खरीद सकते हैं, उसको खरीदिए, परचेज करिए, उसको रिव्यू करिए, रिव्यू करने के बाद स्क्रीनशॉट लीजिए, दीजिए, दूसरा बुक आपको गिफ्ट में मेरी तरफ से मिल जाएगा। जल्दी से जल्दी इस ऑफर को मिस मत करिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, क्या ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करिए, इसको सबके साथ शेयर करिए, अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, नमस्कार, बाय बाय।